गर्मी के आते ही सुराही घरे की याद आ जाती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू वाले इस देसी फ्रिज के जल में जो तृप्ति मिलती है, वैसी तृप्ति और किसी जल से नहीं मिल सकती। देसी फ्रिज यानी घरा सुराही। गर्मी के दस्तक भर से लोग घड़े, सुराही आदि की खोज करने लगते हैं। वाटर कूलर, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के होने पर भी इन देसी फ्रिज की मांग में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि इस वर्ष अब तक गर्मी आंख मिचौली करती नजर आ रही है, इसलिए घड़े सुराही की बिक्री अपेक्षाकृत कम हो रही है। भाई, सुराही का पानी पी रहे हैं, शुद्ध रहता है, फ्रिज का पानी उतना मजेदार नहीं है। आज सर गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ने वाला, पहले ले ले रहे, इसीलिए गर्मी के लिए ले रहे हैं मटका, ठंडा पानी पीने के लिए। हम है घड़ा का, हंडी कलश, हंडी बेच रहे हैं, सुराही बेच रहे हैं। गर्मी पड़ा नहीं है इसलिए सुराही और हंडी कम मंगाए हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगा वैसे हम ज़्यादा मंगाएं। सर मनीष से लाते हैं लेकिन लॉस हो जाएगा इस बार की गर्मी उतना पड़ा नहीं है, इसी इस वजह से हम लोग माल भी कम मंगाए हैं और ज़्यादा ऐसा सेल भी नहीं है सर, इस तरीके से है सर। देखिए जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तब। वहीं दूसरी ओर गर्मियों का दुश्मन कहलाने वाले तरबूज एवं खरबूज भी इस बार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पर्याप्त गर्मी नहीं पड़ने से तरबूजे पीले होते जा रहे हैं और पूरी तरह से पक नहीं पा रहे हैं, जिससे वितरक परेशान है। इस साल माल नहीं बिक रहा है, काहे इस साल गर्मी नहीं है। गर्मी में माल पक गया था लेकिन गर्मी में माल पीला हो जा रहा है, माल नहीं बिक रहा है, लॉस हो जा रहा है। इस साल बहुत माल मंगा लेते हैं लेकिन इस साल माल बिक रहा। साक्षी गुरुद्वारा में लंगर आम के लिए रोटी मेकर मशीन मंगाई गई है। ये मशीन एक घंटे में 3,000 रोटियां तैयार कर सकती है। झारखंड में पहला गुरुद्वारा है साक्षी गुरुद्वारा, जहां लंगर के लिए रोटी मेकर मंगाई गई है। मशीन की लागत 8.5 लाख रुपए आई है। इस मशीन की खासियत ये है कि एक घंटे में यह 3200 रोटियां बनाती है। मशीन में 10 किलो आटा डालने के बाद मशीन आटा गूंथने से लेकर रोटियां तैयार करने तक सारी प्रक्रिया खुद करती है। किसी खास समारोह में सैकड़ों रोटियां बनाई जाती है, जिससे बनाने में दर्जनों लोग काम करते हैं, पर इस मशीन के आने से काफी सहूलियत हो गई है, यानी अब घंटों का काम मिनटों में। 12 से बन के आया है, एक घंटा में 3200 रोटी बनेगा एक घंटा। 3 सिलेंडर लगेगा इसमें और क्या बोलते हैं चलेगा मशीन उससे इलेक्ट्रिक से, और सिलेंडर भी 300 सिलेंडर लगेगा इसमें। एक घंटा में 3200 रोटी बनेगा इसमें। रेगुलर कितना देर चला सकते हैं इसको? 6 घंटा मिनिमम, 6 घंटा। किस प्रकार रोटी बनते हैं इसमें? जैसे आटा गूंथने वाला मशीन जो है उसमें हम लोग 10 किलो लगभग आटा गूंथ सकते हैं एक बार। आटा गूंथने का मशीन अलग है, रोटी पकाने वाला मशीन अलग है। मशीन का कीमत 8.5 लाख रुपए करीब पड़ा। बलदेव बस्ती में शौचालय निर्माण की मांग को लेकर संकल्प एवं निर्माण संस्था ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। सुनील प्रसाद के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे संकल्प एवं निर्माण संस्था का कहना है कि बलदेव बस्ती में शौचालय नहीं होने की वजह से महिलाओं को काफी परेशानी होती है। हमारा संस्था संकल्प एवं निर्माण द्वारा डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपना है। बलदेव बस्ती में 70 साल पुरानी बस्ती है, वहाँ एक भी शौचालय नहीं है। शौचालय की मांग को लेकर हम लोग डीसी को ज्ञापन देने आए। किराएदार द्वारा मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत वृद्ध मकान मालिक ने सिटी एसपी से की है। सिटी एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे बिरसा नगर के रहने वाले 84 वर्षीय वृद्ध अमरिक सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उनके घर किराएदार के तौर पर रहने वाले मिथिलेश कुमार व कमलेश कुमार न तो किराए देते हैं बल्कि मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। समस्या भी आज आप एसपी के पास आए? हाँ हाँ सर, वो हम लोग अपने घर को लेके आए थे। कहाँ रहते हैं आप लोग? बिरसा नगर में। क्या हुआ है? घर पे दो भाइयों का कब्जा, हम लोग किराए पे दिए थे उनको, तो दो भाइयों का कब्जा है, कमलेश कुमार सिंह और मिथिलेश कुमार सिंह का, जो कि लोग घर खाली नहीं करते ना ही किराया देते। 7 साल हो गया है। तो मेरे अंकल और आंटी मतलब बहुत बुजुर्ग हैं, 84 साल उम्र है इनकी, और वो अब दावा करते हैं कि मकान उनका है, ये लोग किराएदार हैं। तो आप लोग लोकल थाना में नहीं गए? सर जाते हैं सर, कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग वहाँ पे गए थे हम लोग, तो फिर हम लेके इनको साहब के पास आए। ताज अर्थात थिएटर आर्टिस्ट ऑफ जमशेदपुर अपने 40वें सालगिरह पर रविंद्र भवन में 18 व 19 अप्रैल को नाट्य उत्सव मनाएगा। अपने 40वें सालगिरह पर ताज संस्था 18 व 19 अप्रैल को नाट्य उत्सव मनाएगा। रविंद्र भवन में होने वाले इस उत्सव में कई नाटकों का मंचन होगा, जिसमें निशस्त्र, सुवर्ण अंगुली, कुर्बानी आदि शामिल है।
संवाददाता सम्मेलन बुलाकर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के गोविंद माधव शरण ने बताया। टाटा स्टील का अर्बन सर्विसेज विभाग पहली बार इस तरह का नाट्योत्सव कर रहा है, जो 17 से 20 तारीख 20 अप्रैल तक अर्बन सर्विसेज विभाग 17 से 20 अप्रैल नाट्योत्सव का आयोजन कर रहा है। और इस तरह का आयोजन पहली बार है, क्योंकि हम जमशेदपुर के बाहर से भी नामी गिरामी डायरेक्टर्स, एक्टर्स और अच्छा प्ले लेके आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जमशेदपुर में जो प्ले का स्टैंडर्ड है वो आगे बढ़े, और अच्छे प्ले देखकर यहाँ के आर्टिस्ट में वो जागृति पैदा हो, वो टेक्निकल स्किल आए, ताकि यहाँ पर भी अच्छा प्ले हो सके। दूसरा कारण है कि यहाँ पर नाटकों की जो दशा और दिशा है वो दयनीय है, उसे सपोर्ट की आवश्यकता है, और अर्बन सर्विसेज ये सपोर्ट उन्हें देने के लिए तैयार है। हम लोग हर कम्युनिटी सेंटर्स में उन लोगों को नाटक रिहर्सल्स के लिए भी जगह देंगे और इनको नाटक के लिए मंच भी प्रदान करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर झारखंड उड़िया गंडा समाज द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कदमा लिंक रोड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सचिव मोहन करमकार और प्रभात खबर के स्थानीय संपादक रंजीत प्रसाद सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में समाज के उत्थान के लिए चर्चा हुई, तत्पश्चात रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित है, जो दलित के लिए आज हमारे बाबा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 114वां जयंती मना रहे हैं, और हमारे एकता के विषय में प्रोग्राम रखा गया था सेंसिटिव कल्चर और गरीब बच्चों के बीच में पाठन पाठन का सामग्री वितरित।